Assalamualaikum. Computer World का ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम में खुश आमदीद। विंडोज मूवी मेकर की ट्रेनिंग का ये हमारा नवा पार्ट है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो कंप्लीट कोर्स के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि विंडोज मूवी मेकर में किस तरह से हम कोई वीडियो की फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो की फाइल को इंपोर्ट करने के लिए कैप्चर वीडियो में यहाँ इंपोर्ट वीडियो का बटन मौजूद है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम जहाँ पर हमारी वीडियो मौजूद है वो बटन सेलेक्ट करेंगे। जी तो ये चार वीडियो मेरे पास मौजूद हैं, इनमें से जो वीडियो भी इंपोर्ट करना चाहें इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार लाजमी ध्यान में रखिएगा कि विंडोज़ मूवी मेकर में सिर्फ कुछ खास मखसूस टाइप की फॉर्मेट की फाइल भी इंपोर्ट की जा सकती हैं, जैसे कि ये नीचे मौजूद है, ये देखिए ये वीडियो फाइल AVI, MPG, M1V, MP2, MP2V, MPEG, ये फॉर्मेट जो है सिर्फ ये फॉर्मेट की फाइल भी विंडोज़ मूवी मेकर एक्सेप्ट करता है। इनके अलावा FLV या MP4 वगैरह वो फाइल्स आप डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल है जैसे FLV या दूसरी कोई फाइल है उसे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसे कन्वर्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करना भी हम सीखेंगे, तो फिलहाल मैंने कन्वर्ट किया हुआ है AVI में, तो मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। इंपोर्ट के बटन पर क्लिक किया, तो ये फाइल को इंपोर्ट कर रहा है। तो ये हमारी फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। ये पहले का प्रोजेक्ट हमने क्या किया हुआ था, इसको डिलीट कर देते हैं। जी इस फाइल को यहाँ ड्रैग करते हुए टाइमलाइन में ले आते हैं, तो ये हमारे पास 7 मिनट और 37 सेकेंड की वीडियो आ चुकी है। इसमें आप मज़ीद एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ हिस्सा रखें और कुछ हिस्सा डिलीट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में कुछ हिस्सा अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं। यहाँ पे पहले प्ले करके देखते हैं, हम चाहते हैं कि इसको यहाँ तक हम यानी कि इसकी कटिंग करते हैं, जो पिछला हिस्सा है ये सारा रिमूव हो जाए। तो कटिंग करने के लिए यहीं से अगर हम कटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम टाइमलाइन के कंट्रोल को लेके आएंगे और ये यहाँ पे बटन मौजूद है, ये मॉनिटर के नीचे यहाँ पे बटन मौजूद है, स्प्लिट का बटन। यहाँ पे हम स्प्लिट के बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इसने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये देखिए ये दो हिस्सों में, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसे डिलीट कर दें, तो इस पर क्लिक करेंगे, बी क्लिक करते हुए यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो वो हिस्सा जो शुरू में हमें नहीं चाहिए था हमने इसे डिलीट कर दिया। अब हम इसे प्ले करेंगे तो ये डायरेक्ट यहीं से प्ले हो जाएगा। इस तरह से वीडियो को इंपोर्ट करके उसकी कटिंग भी की जा सकती है, मज़ीद इसमें इफेक्ट भी डाले जा सकते हैं, ऑडियो चेंज की जा सकती है, एक से ज़्यादा ऑडियो भी ऐड की जा सकती है। तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, ये पार्ट यहाँ तक मुकम्मल होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।